भारत समेत पूरी दुनिया क्रिसमस 2023 सेलिब्रेशन की तैयारियों में व्यस्त है। वहीं भारत के पास इस दिन को धूमधाम से मनाने की एक और बेमिसाल वजह है। दरअसल इस दिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और युवाओं के प्रेरणा स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। बेशक वो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके महान विचार हमारे मन मस्तिष्क में गूंजते हैं, जो हर मुश्किल परिस्थिति में डटकर लड़ने को प्रेरित करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी महज एक बेहतरीन वक्ता और कवि ही नहीं थे, बल्कि पढ़ाई में भी बहुत तेज थे। उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्वालियर के गोरखी स्कूल में पढ़ाई की थी और इस स्कूल के शिक्षक और छात्र खुद को गौरवशाली महसूस करते हैं। यही वजह है कि शिक्षक ही नहीं, छात्र भी अटल जी की कविताओं का पाठ करते हैं। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर के महाराज बाड़ा स्थित गोरखी स्कूल कोई सामान्य स्कूल नहीं है। स्कूल में देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने 1934 में छठवीं क्लास में दाखिला लिया था और 1938 में आठवीं क्लास तक पढ़ाई की थी। स्कूल के जर्रे जर्रे में अटल जी की यादें समाई हैं और यहाँ के शिक्षक भी खुद को गौरवशाली महसूस करते हैं। अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा रहा है कि वो यहाँ इस विद्यालय के हर बच्चे के अंदर वो सारे गुण अपने आप आते हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर कि बहुत सारे बच्चे मैंने यहाँ पर ऐसे देखे हैं जो कविताएं खुद लिखते हैं, इतना अच्छा काव्य पाठ करते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद कहीं वो गुण आज इन बच्चों में भी है। इन बच्चों के अंदर हम वो कर्मठता, वो गुण, वो व्यक्तित्व जो है बीजारोपण कर सके जो हमारे सम्माननीय अटल जी में था। यही नहीं, शिक्षक और छात्र अटल जी से इतने प्रभावित हैं कि स्कूल की शुरुआत सुबह अटल पूजन के साथ होती है। सभी शिक्षक और छात्र अटल जी के पूजन के बाद ही पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं और मेरे विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि हम लोग अटल जी के पढ़े हुए विद्यालय में कार्यरत हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारी प्राचार्य महोदय से लेकर हम सब प्रातःकाल सबसे पहले अटल जी को स्मरण करते हैं, इसके बाद ही पढ़ाई शुरू करते हैं। आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रीय क्षितिज पर सुशासन के पक्षधर अटल जी, जिनकी स्वच्छ छवि और जो एक पत्रकार थे, एक राजनेता थे, जो किसी भी पार्टी के लिए बहुत ही स्मरणीय हैं। 90 साल पहले अटल जी जिस भी कमरे में पढ़ते थे उसे धरोहर बना दिया गया है। उस दौर में अटल जी पेड़ के नीचे बैठकर कविताएं गुनगुनाते थे। आज स्कूल के करीब 2000 बच्चे गर्व से कहते हैं कि जहां अटल जी ने शिक्षा हासिल की थी हम उसी स्कूल में पढ़ते हैं। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि भारत रत्न माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस विद्यालय में पढ़े हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का आदर्श है, वो हम सभी छात्रों को एवं शिक्षकों को सबको एक आदर्श के रूप में हमें हमेशा प्रोत्साहित करता है। मैं बहुत ही इस विद्यालय में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अध्ययन किया था, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है इस विद्यालय में पढ़ते हुए। उत्साह मिलता है कि मैं भी कुछ विद्यालय में से कुछ बड़ा बनूं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी बने, मैं भी कुछ ऐसा अपने विद्यालय के लिए करूं। स्कूल के छात्रों पर अटल जी का प्रभाव इस कदर है कि यहां का एक एक बच्चा अटल जी की कविताएं गुनगुनाता है। आप भी सुनिए नन्हे बच्चे के मुंह से अटल जी की खास कविता। जीत मैं किंचित नहीं भयभीत मैं, क्या हार मैं क्या जीत मैं किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर मैं हार नहीं मानूंगा, जन्म मरण का खेल है अनूठा इसमें मेरी हार नहीं, वो क्या चल पाएगा जिसको पथ से प्यार नहीं। गौरतलब है कि ग्वालियर के लाडले सपूत अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन इन छात्रों ने शिक्षकों के साथ धूमधाम से मनाया। हैप्पी बर्थडे अटल जी, हैप्पी बर्थडे अटल जी, हैप्पी बर्थडे अटल जी। कर्ण मिश्रा,
ग्वालियर, न्यूज 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो अटल जी की बताई बातों को लोग आज भी उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि अटल अमिट हैं, अमर हैं, उनकी बताई बातों को आज भी उनकी राहों पर चल रहे हैं, उनकी बताई बातों पर चल रहे हैं। बढ़ते आगे, सोमवार को अटल जी की जयंती है और एक बार फिर उस महान शख्सियत से जुड़ी यादें हमारे जहन में तैरने लगी। किसी के लिए क्रांतिकारी कवि तो किसी के लिए विनम्र राजनेता, लेकिन उनके जीवन काल में उनके प्रति प्रेम के साथ साथ लोगों के दिलों में आस्था भी थी, जिसका जीता जागता उदाहरण है ग्वालियर का अटल जी का ये मंदिर। रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। पहले पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जो ग्वालियर में हम लोगों ने मंदिर बनाया है, जो यहाँ सत्यनारायण टेकरी है, ये प्राचीन टेकरी है और अटल जी जब बालक थे तो यहाँ पढ़ने बैठने आते थे। तो चूंकि ग्वालियर में जन्म हुआ है अटल जी का, अटल जी एक आदर्श नेता है, उनका गौरव एक ऐसा है कि उनसे हर आदमी जुड़ता रहा है, तो उनकी याद बनी रहे और आज के संदर्भ में युवा उनसे जुड़े रहें, साहित्य पढ़ते रहें, हिंदी से जुड़े रहें, इसलिए माननीय अटल जी का मंदिर ग्वालियर में बनाया गया है। सत्यनारायण टेकरी इसलिए कि प्राचीन टेकरी है, वहाँ पर और भी मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर बना है, तो प्राचीन है, कोई संत रहते थे वहाँ, उनकी तपस्थली है अटल जी, और अटल जी से लगा हुआ क्षेत्र है वो, तो बालकाल में वहाँ पर वो पहुँचते थे, बैठते थे, अध्ययन करते थे, इसलिए उस पहाड़ी को चुना गया है। अटल जी को मालूम था, हमारी कई बार भेंट हुई, उनको बताया भी, तो कोई भी प्रतीक के रूप में अगर है तो मंदिर बनाया जा सकता है, वो भगवान के रूप में हमने उन्हें स्थापित नहीं किया है, आने भी वाली पीढ़ी उससे परिचित बनी रहे, तो एक प्रतीक के रूप में उनको स्थापित किया। अटल जी के जीते जी बना ये मंदिर अटल जी के जाने के बाद धरोहर की तरह बन गया है। ग्वालियर के सपूत को जन्मदिन पर बधाई देने हर कोई पहुंचता है। ग्वालियर से न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट। और अपनी कविताओं के जरिए अलख जगाने वाले कवि अटल बिहारी वाजपेयी को खाने का भी बेहद शौक था। छात्र जीवन में मिठाइयों का स्वाद वो किसी जश्न की तरह अपने दोस्तों के साथ लिया करते थे। आपको ग्वालियर में उसी दुकान की मिठाइयों से रूबरू कराते हैं जिससे अटल जी की यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ आज भी अटल बिहारी वाजपेयी की पसंद की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और जिनकी पहचान आज भी अटल बिहारी वाजपेयी से ही जुड़ी हुई है। नया बाजार इलाके में स्थित बहादुरा स्वीट्स के लड्डू और रसगुल्ले अपने स्वाद के लिए जितने मशहूर हैं, उससे कहीं ज्यादा यहाँ के लड्डू अटल जी की पसंद के तौर पर जाने जाते हैं। जी हाँ, छात्र और राजनीतिक जीवन में अटल जी बहादुरा के लड्डू खाना पसंद करते थे। इस दुकान पर अटल जी अक्सर रसगुल्ले और लड्डू खाने आया करते थे। इतना ही नहीं, जब वो प्रधानमंत्री बने और ग्वालियर आना उनका कम हो गया तो विशेष तौर पर उनके लिए बहादुरा स्वीट्स के लड्डू और रसगुल्ले दिल्ली भेजे जाते थे। लोगों का यहाँ तक कहना है कि उस समय दिल्ली में पीएम वाजपेयी से आसानी से और सीधे मिलना हो तो ये लड्डू बहुत बड़ा जरिया था, इसलिए इस लड्डू को पासपोर्ट टू पीएम भी कहा जाता था। अटल जी को तो मैंने बचपन से देखा है, यहाँ आते थे, नाश्ता करते थे, अपने साथियों के साथ आया करते थे, एम्बेसडर से सामने दरनारी रखते थे। उनके टाइम के साथ ही दो चार मेरे को याद है, गंगाराम बांदल जी हुए, सेजवकर साहब हुए और एक आध दुंडिता और हुआ करते थे, ये लोगों के साथ आते थे, बराबर नाश्ता करते थे, आपस में भी बातें करते रहते थे। हमारे फादर से भी उनके बहुत अच्छे लगाव थे, फादर से भी बातें करते रहते थे। पासपोर्ट पीएम कुछ तो है ना, हुआ जब प्रधानमंत्री थे तो उन लोगों से जब कभी कोई नहीं, जैसे तो ग्वालियर से जाते ही रहते थे, नहीं तो उनको जरूरत होती तो वो मंगाते थे, स्वयं भी मंगाते थे, नहीं तो ग्वालियर से जनरली जो उनके मिलने वाले थे जाते थे डायरेक्ट पीएम हाउस में, वो ले जाते थे लड्डू, लेके जाते थे, अनूप जी कही होता फिर ले गए लड्डू। आज अटल जी तो नहीं है, लेकिन ग्वालियर की दुकान आज भी अटल जी की याद दिलाती है। आज भी ना सिर्फ अपने लजीज स्वाद के लिए मशहूर, बल्कि अटल जी की पसंदीदा दुकान होने से भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कई लोग तो दूर दूर से सिर्फ अटल जी की याद में यहाँ के लड्डू खाने आते हैं। भैया वे बहादुरा स्वीट्स के नाम से फेमस हैं, बहादुरा लड्डू वाले, और इन खासियत ये है कि ये शुद्ध घी में बनते हैं, बड़े स्वादिष्ट लगते हैं खाने में, और ये हमारे सबसे विशेष बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी यहाँ के बड़े लड्डू उनको पसंद थे, यहाँ से लड्डू उनके लिए दिल्ली तक जाते थे उनके उनकी पसंद पर, और कई लोग बड़े बड़े कई हस्तियों को यहाँ से मतलब लड्डू पसंद है, यहाँ के बहादुरा लड्डू वाले के बहुत पसंद है जी, अटल जी को एक विशेष तरह से उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे लड्डू, ये बहादुरा के।
पहले लोग यहां से मांगलिक अवसरों पर लड्डू ले जाते थे, लेकिन अब अटल जी की याद में भी उनके चाहने। ग्वालियर से न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट।